गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी फाइन एट होम। घर में आप बहुत अच्छे से होंगे। ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्यूटर। आज हम क्या डिस्कस करेंगे आपसे? कंप्यूटर। दिस इज योर कंप्यूटर बुक बैनरी फॉक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ओपन करना है। ओपन नाउ फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर जनरेशंस, पेज नंबर 5। ठीक है, ओपन नाउ। ठीक है, जैसे मैं रीड करूंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको भी रीड करना है और जो मैं समझाऊंगी उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, बाइनरी सॉरी कंप्यूटर जनरेशन। जनरेशन का मींस क्या होता है? जनरेशन का मींस ये होता है कि जब हम किसी भी चीज या व्यक्ति का एक टाइम टू टाइम जनरेशन को डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल कि पहले जब आप लास्ट 10 साल पहले की बात सोचें तो क्या आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन था? नहीं था क्या? पहले हमें स्टार्टिंग में कीपैड वाला फ़ोन आया। ठीक है, उस पहले फ़ोन का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो फ़ोन का आविष्कार करने के बाद पहले वो हेलो करके फ़ोन करते थे। ठीक है, हेलो 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 करके आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में। फिर उसके बाद में थोड़ा और सा और इन क्या कहते हैं आविष्कार किए गए, जिसमें से क्या हुआ वो एक जो आप लोगों ने घर में जो फ़ोन लगे रहते हैं उसका आया। फिर थोड़ा और आविष्कार हुआ धीरे धीरे करके, हमारा टाइम चेंज हुआ, जिसे कहते हैं जनरेशन थोड़ा सा और आगे बढ़ी। तो उस तरह से फिर क्या हुआ कीपैड वाले फ़ोन आए। उसके बाद क्या हुआ थोड़ा और हम आगे बढ़े। ठीक है, हम और आगे चलते गए तो जिसमें से हमें एंड्रॉयड फ़ोन आया। तो एंड्रॉयड फ़ोन के कुछ आए तो पहले नोकिया वगैरह के आते थे। ठीक है, अब फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो अब तो इतने सारे एंड्रॉयड फ़ोन और उनकी फैसिलिटीज़ आ गई है, तरह तरह के नए में, कहीं वीवो है, कोई क्या कहते हैं सैमसंग है, कोई क्या कहते हैं MI है, कोई नोकिया है नेम वगैरह। तो इस तरह से क्या हुआ हमारा टाइम टू टाइम है वो जनरेशन चेंज होता गया। जनरेशन जिस तरह से चेंज होता गया उसी तरह से हम अपने फैसिलिटीज को क्या कहते हैं बढ़ाते गए और उसको हम यूज करते गए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जनरेशन के बारे में। और किसके जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे? कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक पिक्चर दिया गया। ठीक है, क्या था पहले? एक डेस्कटॉप, कंप्यूटर में पहले डेस्कटॉप आता था। ठीक है, अभी हम और पिछले जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का आविष्कार हुआ कैसे। ठीक है, पहले कैसे चलता था इतना बड़ा, पहले एक क्या बोलते थे प्रोजेक्टर टाइप में लगाए जाते थे, फिर लाइट पड़ती थी, आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में दिखाया जाता होगा, तो उस तरह से हम कंप्यूटर को चलाते थे। फिर धीरे धीरे करके और जनरेशन चेंज हुई तो उसमें टाइम हमारा बदला, फिर क्या कहते हम आगे बढ़े तो उसमें फिर डेस्कटॉप आ गया। फिर डेस्कटॉप में क्या हुआ, टीवी की तरह डब्बा की तरह होता था, उसमें पढ़ाई होती थी। फिर हम और आगे बढ़े तो उसमें क्या हुआ कि टीवी को हमने थोड़ा सा इस तरह का बना दिया। ठीक है, अब हमारा इस तरह का डेस्कटॉप आने लगा, फिर CPU आने लगा जो आपके कंप्यूटर लैब में रखा हुआ है। एंड देन फिर हम और बढ़े तो हमें लैपटॉप मिल गया। ठीक है, लैपटॉप। फिर लैपटॉप में क्या था, पहले इतना बड़ा लैपटॉप था, अब क्या आता है छोटा। फिर क्या छोटा आने लगा जिसमें बैग में भी हम लैपटॉप लेके जा सकते हैं। फिर क्या होने लगा, फिर हम और आगे बढ़े तो टैबलेट आने लगा। टैबलेट में आप लोगों ने पढ़ाई देखी होगी 6, 7, 8 में, तो जो टैबलेट से पढ़ाई होती है। तो ये क्या हो गया हमारा जनरेशन, जैसे जैसे हमारा जनरेशन हम लोग आगे बढ़ते गए हमारा जनरेशन चेंज होता गया। अ कंप्यूटर इज अ टूल एंड पार्टनर इन एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटी। कंप्यूटर क्या है? एक ऐसे औजार है जो एक इंसान का यानी हम लोगों का एक पार्टनर सा बन गया है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम कहीं बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा, क्या कहते हैं फोन नहीं होगा, अरे हम मम्मी को इन्फॉर्म कैसे करेंगे, हमें इतनी लेट हो गया है, हम कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे हैं। तो एक पेरेंट्स भी कहते हैं ना बाहर जाओ फोन लेके जाओ, तो ये क्या है हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है फोन हमारी लाइफ। अब देखिए इस तरह की सिचुएशन आ गई है, लॉकडाउन हो चुका है, इतना सब कुछ फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है कोरोना की, वो तो आप लोग टीवी वगैरह में देखते ही हैं, सबको पता ही है। अब 3-4 महीने से हमारा स्कूल भी नहीं हो पा रहा, आप लोग घर में बैठे हैं, लेकिन हम किससे पढ़ा रहे हैं? फ़ोन से पढ़ा रहे हैं। क्या हमारे पास ये नहीं होता तो क्या हम आपको पढ़ा पाते?
नहीं पढ़ा पाते। तो इसी तरह से ये हमारी क्या है, ये हमारी और आपकी लाइफ का एक क्या है, जरिया बन गया है। एक हम इसके बिना हम रह नहीं सकते, इसलिए हमारा एक पार्टनर बन चुका है। कंप्यूटर्स आर ब्रिंगिंग मैनी चेंजेस इन अ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च, लॉ, सोशल सर्विस एंड इवन इन आर्ट्स, म्यूजिक, पेंटिंग एक्सेट्रा। ये हर एक जो भी जो हमारा क्षेत्र होते हैं, चाहे वो डॉक्टर में हो, चाहे क्या कहते हैं टीचर में हो, हम टीचिंग करते हैं उसके क्षेत्र में हो, चाहे वो पेंटिंग के क्षेत्र में हो, चाहे हम आर्ट्स करते हो, तो किसी भी क्षेत्र में हो, गवर्नमेंट हो या ना हो, आप गवर्नमेंट के भी बात सुन लीजिए। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट अगर कोई भी स्कीम निकालती है तो क्या करता है, फोन में टूटने से मैसेज आता है, क्लिक से मैसेज आएगा, ठीक है, मैसेज आता है। उसके बाद में हम क्या मैसेज को ओपन होते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये है, ये करना है। आरबीआई से, बैंक वगैरह से मैसेज आते हैं तो जिसमें कहते हैं अपने पिन विन को मत बताइएगा, इस तरह के कुछ मैसेज आते हैं ना। तो ये हर क्षेत्र में हमारे लिए एक अच्छा सा क्या कहते हैं, एक सिस्टम बन चुका है जिसको हम इसको यूज करते हैं। द ओल्ड डेज क्या है, इसका मीन्स है एक कहावत है। कहावत क्या है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप लोगों ने थॉट वगैरह ब्लैक बोर्ड में देखा ही होगा किस तरह से थॉट हम लोग लिखते हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मतलब क्या है कि जिस तरह से हमारी नीड बढ़ती है, ठीक है, हमें आवश्यकता होती है, उसी तरह से हम आविष्कार करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सेकेंड में थे तो आप टेबल 1-5 पढ़ रहे थे, अब आप थर्ड में आएंगे तो 2-15 पढ़ेंगे, अब आप 6-7 में जाएंगे तो 2-25 पढ़ेंगे। तो क्या होगा, हम आगे बढ़ते गए और हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई तो हम उसको आगे और पढ़ते गए। अब आवश्यकताओं में एक बात और आती है, फॉर एग्जाम्पल हम घर में होते हैं, ठीक है, पहले क्या होता है कि पहले के जमाने में टीवी नहीं थी तो लोग बिना टीवी के रह लेते थे, क्या भी हो पाएगा, हर घर में टीवी होगा तो क्या हमारी नीड बढ़ी, टीवी में नीड क्या बढ़ी, हम अगर न्यूज़ नहीं देखेंगे तो हमें देश विदेश के बारे में पता कैसे चलेगा। तो जिस तरह की हमारी नीड बढ़ती जाएगी, हमारी नीड यानी कि क्वेरी बढ़ती जाएगी, बेड की हमें ज़रूरत होती है, टीवी की हमें ज़रूरत होती है, सोफ़ा की हमें ज़रूरत होती है, हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, फ़ोन की ज़रूरत होती है, बाहर जाएंगे तो फ़ोन हमें ज़रूरी है। तो जिस तरह से हमारी नीड बढ़ती जाएगी उसी तरह से हम चीज़ों को आविष्कार करेंगे तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो इसका मीन्स यही है कि जिस तरह से हमारी नीड बढ़ेगी उसी तरह से हम आविष्कार करते हैं और उसको हम ज़रूरतों को पूरा करते हैं। होल्ड ट्रूथ फॉर कंप्यूटर ऑल्सो, बिकॉज कंप्यूटर्स आर इन्वेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मैंस रिसर्च फॉर फास्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। इसी तरह से जिस तरह से हम अपनी चीज़ों को नीड की आवश्यकता होती है उसी तरह से हम अपने आविष्कार करते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर भी होता है। कंप्यूटर में भी हमें इतनी आवश्यकता होती है कि हम उस चीज़ को फिर आविष्कार करने लगे। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि कंप्यूटर इतना बड़ा प्रोजेक्टर होता था, इतना बड़ा प्रोजेक्टर को लगा दिया जाता था, ठीक है, फिर क्या करते थे और उसमें से क्या करते थे, फोकस करके लाइट करते थे, इस तरह का प्रोजेक्टर होता है और ये फोकस लाइट पड़ती है, जब लाइट इसमें पड़ती है तो हमें पिक्चर नजर आते हैं। तो अब ये बताइए कि पहले के जमाने में इस तरह का होता था, लेकिन क्या अब हम इसको, इतने बड़े प्रोजेक्टर को और ये लाइट और ये सब कुछ, जितने भी सीपीयू उसमें एडिंग वगैरह होते, तो क्या हम जो दूसरे स्थान पे जाते हैं तो क्या हम कर सकते हैं, ले जा सकते हैं उसको बैग में भर के, नहीं ले जा सकते। इसलिए हमारी क्या नीड बढ़ी, नीड का मतलब है कि अगर ऐसा कोई क्या कहते हैं छोटा सा कंप्यूटर आ जाए जो हमारे बैग में भी आ जाए और उसको हम यूज़ कर सकें, तो इस तरह से हमें क्या हुआ, नीड हुई यानी आवश्यकता पड़ी और हमने फिर उसको आविष्कार करना शुरू कर दिया, इसलिए छोटे छोटे लैपटॉप बन गए, टैबलेट बन गई, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस इरास, लेट अस टेक अ लुक ऑफ देम। कुछ हम पहले देखेंगे किस तरह से कंप्यूटर, पहले हम देखेंगे इस क्या क्या टर्म्स होते थे पहले के कंप्यूटर में, उसको हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट आता है मैनुअल इरा। मैनुअल इरा क्या होता है, द अर्लीस्ट डिवाइस दैट क्वालिफाइज एज अ डिजिटल कंप्यूटर इज द अबेकस। पहले अबेकस के बारे में पढ़ा होगा ना, अबेकस
The device allows the turn to next space. User of I represent numbers by the position of beads on a rack. Simple addition and subtraction can be carried out rapidly and efficiently by positioning the beads on the rack appropriately. फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था कि पहले कंप्यूटर का मेन्स सिर्फ ये नहीं माना जाता था कि हम नेट यूज करें या नेट में कोई चीज को खोजबीन करें. पहले क्या मीन्स मतलब ये होता था कि हम सिंपल कैलकुलेटिंग कर सकें. सिंपल कैलकुलेटिंग का मीन्स होता है कि जैसे एडिशन, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर सके, उसका डिवीजन कर सके. तो इस तरह का कैलकुलेटिंग का करना, हम कैलकुलेट कर सके. पहले का जो एक जनरेशन आया था जब स्टार्टिंग कंप्यूटर की हुई थी तो मैनुअल कंप्यूटर आया था, तो उसका सिर्फ एक काम था कि हम इसको सिर्फ कैलकुलेट कर सके, ठीक है, कैलकुलेट कर दें. अब कैलकुलेशन में हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन यही आता है, तो ये कर सके. इसके लिए सबसे पहले मैनुअल इलेक्ट्रिकल हुआ जिसमें से हम अबेकस के बारे में पढ़ते हैं. एक इस तरह के बीड्स को डिवाइड किया गया कि ये बीड्स है, थ्री बीड्स है, फिर हमारे आए टू बीड्स, फिर हमारे आए फोर बीड्स. तो इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा. तो इस तरह का हमारे पहले क्या कहते हैं बीड्स वाले यानी कि अबेकस कंप्यूटर आया था. अनदर मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस टू स्पीड अप टू द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस वाज ऑन नेपियर्स बोन डेवलप्ड बाय अ स्कॉटिश मैन नेम्ड जॉन नेपियर. अ कंप्लीट सेट ऑफ द नेपियर्स बोन्स कंसिस्ट ऑफ द रॉड वन फॉर ईच ऑफ द डिजिट 1 to 9 कार्ड बोन्स विद नंबर्स कैरिड ऑन देम. अब इसको देखिए फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके थोड़ा सा और आविष्कार हुआ. जब अबेकस आ गया उसके बाद सोचा कि बीड्स में अगर काउंट हो सकते हैं तो क्यों ना इन्हीं बीड्स में हम नंबर लिख दें, ठीक है. तो जॉन नेपियर ने क्या किया कि इन्हीं बीड्स में नंबर लिख दिया. ये देखो देखा जिसमें से 1 to 9 के नंबर गिवन. इस तरह से एक नंबर को ओपन करो फिर ओपन होता है कंप्यूटर, एक नंबर को खींचो फिर ओपन होता है कंप्यूटर. इस तरह से उन्होंने क्या किया एक रॉड्स में नंबर को डिवाइड कर दिया इस तरह से. फिर क्या हुआ मैकेनिकल इला कैसे आया बी पार्ट. फिर किस तरह से हम उसको मैकेनिकल में लाए. द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज डेवलप्ड बाय विलियम क्लिकार्ड, ठीक है, चिकार्ड या क्लिकार्ड, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बिंज. अब देखो इनमें क्या था कि प्रोफेसर जो थे, अब देखो क्या होता है कि जब कंप्यूटर का हम आविष्कार करने लगते हैं, जब हम कोई चीज़ आती है, न्यू चीज़ आती है, तो उसको दूसरे जो लोग होते हैं उसको और तरह से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि अगर ये चीज़ इस तरह से हो रही है तो अगली चीज़ किस तरह से होगी, ठीक है. तो इस तरह से डिफाइन किया गया. अभी ठीक है, अभी हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम ये पूरा डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एरर, फिर क्या आता है ये कैलकुलेटर्स एंड बेबस इंजन एंड एनालिसिस इंजन, फिर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक एरर, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो आपको क्या करना है ये चैप्टर को आपको रीड करना अच्छे से. चैप्टर पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 पेज तक आपको रीड करना है. यानी कि पेज नंबर 5, 6 और 7 इसको रीड करना है एंड जो भी इसके हार्ड डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करना, ठीक है, ओके. थैंक यू क्लास. जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.